पुष्पा का बोट फाइट सीक्वेंस कितना यूनिक और स्टेलर होने वाला है? बोट फाइट सीन्स में अभी तक के बेस्ट कोरियोग्राफ्ड एक्शंस कौन कौन से हैं? अल्लू अर्जुन पुष्पा से पहले किस फिल्म में करते दिखेंगे कैमियो? फिल्म का एक्शन सबसे एंजॉयबल और थ्रिलिंग एस्पेक्ट हुआ करता है और इसीलिए इस पर खासा ध्यान भी दिया जाता है। टाइम टू टाइम हमने डिफरेंट टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं, कुछ कॉम्बैट, कुछ वेपन से, कुछ रिदमिक तो कुछ रॉ। वहीं इन्हें फिल्माए जाने वाली लोकेशंस भी एक से बढ़कर एक हमने विटनेस की हैं। कैसे एक्शन के इसी एस्पेक्ट को पुष्पा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी अपने बोट फाइट सीक्वेंस से, करते हैं इसी की डिस्कशन आज की इस कमाल की वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी एंकर पंखुरी। अमूमन जमीन और आसमान में तो काफी सारे एक्शन सीन्स डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन पानी में और खासकर बोट्स में फाइटिंग काफी कम ही देखने को मिलती है। बोट्स में एक्शन या तो ओशन थीम बेस्ड फिल्म्स में होते हैं या तो फिर किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म में, मगर पुष्पा जैसी रगेड जंगल बेस्ड फिल्म में भी इस सीक्वेंस की काफी सिग्निफिकेंस बनेगी, क्योंकि जाहिर है जंगल और नदियाँ काफी बार एक साथ ही दिखती हैं। पुष्पा एक एक्शन को एक स्टेप हाई लेके जाने वाला है। इसमें इंक्लूडेड बोट फाइट सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें अपना हीरो यानी कि पुष्पा राज ताबड़तोड़ मारामारी करेगा। मेकर्स ने बोट फाइट को मेन हाईलाइट की तरह डिजाइन किया है और साथ ही साथ विजुअली स्टनिंग बनाने के लिए अपनी जेब को काफी ढीला भी किया है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि बोट फाइट सीक्वेंस फिल्मी दुनिया में हेलेस कॉमेट की तरह होते हैं, इसीलिए इस रेयर एस्पेक्ट को इंडियन सिनेमा में तो खासा दिखाया ही नहीं जाता, मगर हाँ वर्ल्ड सिनेमा में जरूर कुछ अमेजिंग वाटरवे फाइट्स हमने एंजॉय की हैं। इन्हें लिस्ट में इंक्लूडेड है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज के मैक्सिमम एक्शन सीक्वेंस, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म्स का बैकड्रॉप समुद्र में ही था। इसके अलावा एक्शन मास्टर जैकी चन की 98 की फिल्म ड्रैगन्स फॉरएवर में भी शिप फाइट काफी बढ़िया से कोरियोग्राफ और एग्जीक्यूट की गई थी। लास्टली यहाँ स्पेशल मेंशन केप फियर, फेस ऑफ और द ग्रूनीज के बोट फाइट्स का होना चाहिए। इन सभी फाइट सीक्वेंसेस को देख के आप ये समझ पाओगे कि बोट पे एक्शन करना कितनी टेढ़ी खीर है और कैसे पुष्पा राज इस खीर का स्वाद पैन इंडियन ऑडियंस को मजे से चखाने वाले हैं। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा ने 2021 क्रिसमस को तो फाइनलाइज कर लिया है, मगर इसकी शूट अभी भी जारी है। तो वहीं अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि पुष्पा रिलीज से पहले ही स्टाइल स्टार हमें एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आने वाले हैं। ये फिल्म होगी ओ माय कादवुले की ऑफिशियल तेलुगु रीमेक, जिसके स्टार्स होंगे मिथिला पलकर और विश्वक सिंह। मिथिला के तेलुगु डेब्यू में अर्जुन उस रोल में होंगे जिसे ओरिजिनल फिल्म में विजय सेतुपति ने निभाया था, और हम एक्साइटेड होंगे इन दो टैलेंटेड पावर हाउस को साथ में देखने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की स्क्रिप्ट आई है पंकज की तरफ।